ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, एंड समथिंग इज़ वर्किंग। आई थिंक कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है क्वेरियस, कोई चीज़ है जो आपको यू नो लाइक इरीटेट कर रही है। आई डोंट नो व्हाट्स, लेट्स फाइंड आउट सिचुएशन क्या है आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक्वेरियस, करंट सिचुएशन क्या है? ओके, सो इट्स अबाउट, ठीक है, इट्स गोइंग ऑन बट ऑन अ स्लो पेस। रिलेशनशिप चल रहा है बट ऑन अ स्लो पेस, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और आपकी एनर्जी चेक करें, आई थिंक इट्स अबाउट जजमेंट। देखिए एक्वेरियस, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस यू नो लाइक हमारे पास यहाँ टू ऑफ वॉन्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि लॉस्ट समवेयर, इसका मतलब होता है कि बरिड फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स बरिड। चीज़ें स्लो चल रही हैं, आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें यू नो मन में रखी हुई हैं। इट्स अबाउट दैट, एंड यू आर प्रेइंग कि कब चीज़ें ठीक होंगी, और कन्फ्यूजन रहती है, या हो सकता है कि यू नो ऑलवेज लाइक लॉस्ट इन थॉट्स कि कैसे होगा, क्या होगा, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है ऑफकोर्स थर्ड पार्टी में ही रहते हैं गुम, ठीक है। और ये जो पर्सन है थ्री ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ठीक है, कोई आई डोंट नो थर्ड पार्टी में कोई एफर्ट कर रहा है या इस रिलेशनशिप में एफर्ट कर रहा है, वो कन्फ्यूजन है। बिट्रेयल, थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। तो जो भी आपके पार्टनर हैं दे आर टोटली यू नो लाइक समवेयर यू नो वो चीज़ है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली देर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी। अब थर्ड पार्टी मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि थर्ड पार्टी कौन होता है। थर्ड पार्टी में होता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी आउटर इशू है वो थर्ड पार्टी होता है, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो यू नो मतलब आपकी अगर नहीं बनती है उनके साथ कुछ इश्यूज हैं, या कुछ थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, या काम को आपके पार्टनर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आपसे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे इशूज़ थर्ड पार्टी में ही आते हैं, ठीक है, और एनीथिंग, तो वो चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली वो इश्यूज़ हैं, और आई थिंक ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर्स को रिजॉल्व करने की, बट थोड़ा सा इसी वजह से आई थिंक वो आपको दे रिफ्यूज़ टू टॉक, या ये चीज़ें हो सकती हैं, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, या खुल के बात नहीं करते हैं। तो ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है? ओके, किंग ऑफ कप्स, सो ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस रिलेशनशिप हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग गुड ओनली, ठीक है, कि चीज़ें बदलेंगी, बेहतर होंगी। ऑफ कोर्स आप जो हिम्मत जुटा रहे हैं, जो आप अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक दिस विल यू नो लीड यू टूवर्ड्स गुड स्पेस ओनली। तो हमारे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, यू नो इमोशंस का कार्ड आया है, सो मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हों आप लोगों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। हम पास्ट की यहाँ बात नहीं कर रहे, इट्स जस्ट अबाउट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। या हाँ, कुछ के लिए ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेट करें, बात करें, और कुछ चीज़ें ठीक हो, ठीक है, कम्युनिकेट करें, ये चीज़ हो सकती है, यू नो लाइक कनेक्टिंग फैमिली के लिए आपस में, यू नो तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग सिंगल्स हैं टोटली एक्वेरियस, आई थिंक जो सिंगल एक्वेरियस हैं, आई थिंक दे आर डिसअपॉइंटेड। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए इट्स अबाउट लाइक कनेक्टिंग विद योर सेल्फ ओनली, एंड स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक कनेक्शन। सिंगल्स मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि किसी से कोई बात है या कुछ है, सो इट्स अबाउट लाइक डाइसी सिचुएशन, ठीक है, टाइम ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, एंड यू नो गो फॉर अ स्टेबल कनेक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेविल है, इसका मतलब ये है मे बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, या हो सकता है टॉक्सिक कनेक्शन, या आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से ऑनलाइन बात, सो इट्स ओके, ऑन ऑफ है, तो अभी फ़िलहाल लेट गो कीजिए, ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, एंड वेट फॉर अ लिटिल वाइल, हो सकता है सॉलिड कनेक्शन कैन कम, अ सोलमेट कनेक्शन आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है सिंगल्स, तो जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, अब हम करियर की बात करेंगे एक्वेरियस के लिए।
ओके, सो करियर वाइज हमारे पास बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. टेम्परेंस बैलेंस, सो चीज़ें आपके तरीके से होती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते. मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बदलाव आ रहा है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है, चीज़ें अच्छे यू नो अच्छे तरीके से हो रही हैं, आपके तरीके से हो रही हैं. एंड आपने इस में बहुत एफर्ट पुट किया है और अब वो चीज़ लाइक इट्स हैपनिंग. ओके, यू पुट एफर्ट एंड इट्स हैपनिंग, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. पार्टनरशिप अच्छी जाएगी, ठीक है, हो सकता है लोग आपकी बात सुने, समझे, माने भी. एट वर्क प्लेस ऑल्सो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है और अ न्यू प्रोजेक्ट, आप हैप्पी रह सकते हैं. हाँ, बीच में छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं, हो सकता है कि यू नो कुछ डिसीजंस भी लेने पड़े आपको, ये चीज़ है. सो इट्स ओके, थोड़ा सा आई थिंक आपको यहाँ पे यू नो लाइक बी इन टू योर ओन जोन, पावर में चलिए. अगर आप अपने तरीके से चाहते हैं चीज़ों को तो हैंडल इट विद दैट स्टफ. किंग ऑफ सोर्ड्स इट्स लाइक यू नो माई वे एंड द हाईवे, तो आपको उस तरीके से थोड़ा चलना होगा. इट्स अबाउट दैट. ऑफकोर्स सॉफ्ट हार्टेड तो रहना ही है, बट इट्स ओके, समटाइम्स यू हैव टू बी इन दैट जोन, ठीक है, तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा. तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस. एंड कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल बहुत कर सकते हैं काम के लिए, यू नो इधर उधर ट्रैवल बहुत कर सकते हैं. या हो सकता है इट्स अबाउट टू प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग, यू नो कि एक साथ दो प्रोजेक्ट्स आ गए, यू आर हैंडलिंग इट, सो आपको उस वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट एट लास्ट इट्स गोइंग टू पे ऑफ. ओके, सो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है. गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, हम देख लेते हैं. व्हाट्स द गाइडेंस? ओके, सो गाइडेंस ये है. तो आज हमने रोमांस एंजल्स निकाल ली है. वाओ, गाइडेंस के लिए हाउ कम. ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम रख लेते हैं. एंड गाइडेंस ये है जी कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव. ओके, तो आपके जो एंजल्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, एक्वेरियस, इट्स सेफ फॉर यू टू लव. रिकंसिलिएशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे हमारे पास. ओके, सो लव लाइफ में, मुझे जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि लव लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी हों, ठीक है, अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए, घबराइए मत. और जो भी है, अगर आप अपने पार्टनर से खुल के बात करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. अगेन टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन. यू नीड टू यू नो पार्टिसिपेट. आपको लाइक मान लीजिए कि एक है, आपको अपनी तरफ से भी पार्टिसिपेट करना है. इट्स अबाउट दैट की थिंग्स अलाइनिंग, यू नो जॉइनिंग हैंड्स, तो अपनी तरफ से भी आपको करना पड़ता है शो, अपनी तरफ से भी आपको पूरा यू नो करना पड़ता है. सो इट्स अबाउट दैट, सो इट गोज बोथ वेज. बट हाँ, फैमिली वाइज मुझे ये हफ्ता थोड़ा अच्छा दिख रहा है, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं. आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने हस्बैंड, स्पाउस, अपने यू नो जो भी हैं आपके वाइफ एक्सेट्रा, यू नो. सो इट्स अबाउट दैट. सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी. आई होप आपका ये हफ्ता अच्छा रहे. विच यू ऑल द बेस्ट.